अब मैं देखती हूँ कि बालवीर कब तक नहीं आता। इन बच्चों की जान बचाने के लिए उसे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा, अरे अरे मारो मेहर, रुक जाओ मेरे बच्चा, क्यों बेटा आगे खाइएगे, नहीं रुको। मानो मेहर, मानो रुको मेहर, रुको। महेश, हमें कैसे भी करके बच्चों को रोकना पड़ेगा। नहीं, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। रानी परी, बहुत सारे बच्चों के माता पिता मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं, मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। रुकिए बालवीर, बालवीर हम अभी पता लगाते हैं कि पृथ्वी लोक के बच्चे किस मुसीबत में हैं। दैत्यानी बच्चों को परेशान कर रही है ताकि आप उसके सामने झुक जाएं। रानी परी, मैं उस दैत्यानी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बालवीर, आपके पास आपकी शक्तियाँ नहीं है, आप दैत्यानी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ बालवीर, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही है, और दैत्यानी ने एक साथ इतने सारे बच्चों को अपने वश में कर लिया है। अगर हम सब परियां मिलकर उसे रोकने जाएंगी तो वो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। परी, रानी परी, मैं किसी भी बच्चे को परेशान और दुखी नहीं देख सकता, और इसीलिए मैं दैत्यानी के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। बालवीर, शायद आप सही कह रहे हैं, हमारे पास बहुत कम समय है बच्चों को बचाने के लिए, शायद इस समय दैत्यानी के सामने हार मान लेना ही ठीक रहेगा। आप जाइए और बच्चों को बचा लीजिए। हाँ बालवीर, आप तुरंत जाइए। बालवीर प्लीज प्लीज, इन बच्चों को बचा लो बालवीर। इन्हें दैत्यानी का अंत कर दो बालवीर। हाँ बालवीर, हमारे बच्चों को बचा लो। नहीं पृथ्वीवासियों, नहीं, तुम्हारा ये बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि इससे इसकी सारी शक्तियां अलग हो चुकी है। और ये एक साधारण बच्चा बन चुका है। फिर एक साधारण बच्चा इतने सारे बच्चों को कैसे बचा सकता है? नहीं बचा सकता, कुछ नहीं कर सकता ये बालवीर। दैत्यानी, रोक दो इन बच्चों को। क्यों? क्या तुमने मेरे सामने अपना सर झुकाया, अपनी हार स्वीकार की? हाँ
बालवीर, बालवीर हमारे बच्चों को बचा लो बालवीर। वो दैत्यानी जैसा कहती है वैसा करो, बच्चे खाई के बहुत नजदीक पहुंच गए बालवीर, प्लीज वो जैसा कहती है वैसा करो प्लीज। हाँ बालवीर, वो जैसा कहती है वैसा करो। दैत्यानी रोक दो इन बच्चों को, मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या? क्या कहा तुमने? कुछ सुनाई नहीं दिया बालवीर, थोड़ा जोर से कहो, जोर से कहो ताकि पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाए कि आज सच्चाई और अच्छाई ने बुराई के सामने अपने घुटने टेक दिए। बोलो बालवीर, बोलो। दैत्यानी, मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाकर अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बालवीर, देखा बालवीर, जब बुराई का जादू चलता है तब सच्चाई और अच्छाई धुआं बनकर उड़ जाती है। अब जब सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिट चुका है इस धरती से, तब तुम्हारा क्या काम? तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह मैंने चुनी है जहां तुम अपना अंतिम समय आराम से गुजार सकते हो। अलविदा बालवीर, अलविदा, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मुझे परिलोक की रानी बनते हुए नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये ताबूत तुम्हें जमीन के इतने अंदर ले जाएगा जहां से तुम कभी लौट कर नहीं आ पाओगे। कभी भी नहीं। जाओ बालवीर जाओ, ये ताबूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हो तुम बालवीर? कहीं तुम्हारा सोचना इन बच्चों पर भारी ना पड़ जाए। हा? जाओ बालवीर।
बालवीर मत जाओ, बालवीर नहीं जाओ, बालवीर बच जाओ प्लीज। अगर हम वहां गए तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। हम मजबूर हैं। हम बालवीर के लिए बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बालवीर का अंत तो मैंने कर दिया, अब परियों को तबाह करने की बारी। नहीं परियों, नहीं। मुझसे टकराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम में से ऐसा किसी ने भी कुछ किया तो पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को मैं अपने बीमारी का शिकार बना दूंगी, और फिर वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं। सोच क्या रही हो परियों? अब तो हार स्वीकार कर ही लो और अपने अपने जादुई दंड नीचे रख दो। रखो परी। परियों, बच्चे पृथ्वी लोक का भविष्य है, और अगर हमने दैत्यानी की बात नहीं मानी तो
पृथ्वी लोक का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें दैत्यानी के सामने आत्मसमर्पण करना ही होगा। चलो अब तुम सब घुटने में बैठ जाओ। बैठो बैठो। चलो अब सर झुकाओ, झुकाओ, झुकाओ। रुक जाओ दैत्यानी। होते हो हम डुबा डुबाओ के कर नहीं सकती तुम कब्जा हमारे परिलोक पे। डुबा डुबा भाइयों आक्रमण। रुके डुबा डुबा एक परियों, इन डूबा डूबाओं को तो मैंने पत्थर का बना दिया और किसी भी काम का नहीं छोड़ा, लेकिन अगर तुम सब अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे नजरों के सामने से दूर चले जाओ। जाओ जाओ। दैत्यानी, परिलोक हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रानी परी, रानी परी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए वरना ये दैत्यानी हमें कोई गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब तक गए नहीं तुम लोग? इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं और तुम्हें भी पुतला बना दूं,
दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से, जाओ। लेकिन रानी परी, हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं है, ऐसे में हम परी लोग को छोड़ के कहां जा सकते हैं? पृथ्वी लोग। हाँ परी, हम सब पृथ्वी लोग जाएंगे, वहां जाकर हम बालवीर और दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं। जल्दी कीजिए परी। चली गई परीलोक से, परियां चली गई मतलब सच्चाई और अच्छाई चली गई। तौबा तौबा। अब मैं आराम से बैठकर यहां के कण कण में बुराई भर दूंगी। बच्चों के बीच भौंकने वाली बीमारी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए शहर के सारे पार्क को खोल दिया गया है। यहाँ बीमारी से शिकार हुए बच्चे आकर आपस में खेल कूद सकते हैं। ऐसा करने से वो बच्चे किसी हीन भावना के शिकार नहीं होंगे और उनका मन भी बहल जाएगा। स्मिता, मुझे लगता है कि हमें भी मेहर और मानव को पार्क में खेलने को लेके जाना चाहिए। कब तक बच्चे घर में रहेंगे? कम से कम पार्क में जाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा। माँ और अपनी शक्ति हासिल करनी होगी और बच्चों को दैत्यानी से बचाना होगा। शुक्रिया कि आप सब यहाँ आ गए। अब आप सब मुझे जल्द से जल्द शून्य लोक की सीमा तक पहुँचा दीजिए। शून्य लोक? मुझे शून्य लोक जाकर अपनी शक्तियाँ जल्द से जल्द हासिल करनी है। बालवीर, बालवीर ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस हालत में शून्य लोक नहीं जा सकते। अगर आप किसी तरह शून्य लोक चले भी गए तो सफल होकर वापस नहीं लौट पाएंगे बालवीर। हाँ। चिंता मत कीजिए, मैं अकेला वहां नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई और भी जाएगा। कोई और? हाँ माँ, ब्रूनो। ब्रूनो? ब्रूनो? क्या? मानव महल का श्वान ब्रूनो। आवाज़ सुनी?
ठीक हो जाएगा स्मिता। देखना बालवीर और परियां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। वाह दैत्यानी वाह, किया आपने बहुत अच्छा, दिया दफना उस बालवीर को जमीन में। अब वो बाल है ये तो मानो और मेहर का श्वान है, क्या कर रहा है यहाँ पर है? लगता मुझे है आया है यहाँ पर माफी मांगने, सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए, लेकिन गया कैसे, पहुंचे यहाँ पर? कहीं भेजा तो नहीं परियों ने इसे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए? रुक जा श्वान, हूँ लेता मैं अभी तुम्हारी खबर, देखना आप भी। वरना ये महान योद्धा तबाह तबाह कर देगा तुम्हारा बुरा हाल। चलो से बहुत खुशी। कांपना बंद करो तौबा तौबा। ये मेरी बुराई से बना हुआ मायावी जानवर है जो किसी भी बुराई को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी सच्चाई और अच्छाई को तकलीफ दिए बिना इसे चैन भी नहीं आता। ज्यादा हंसी मत रानी दैत्यानी, क्योंकि आपका ये सेवक बहुत मुश्किल में फंस गया है। बालवीर आपके ताबूत से बाहर आ चुका है और अब वो मुझे अपने साथ शून्य लोक ले जाना चाहता है ताकि वो मेरी मदद से अपनी खोई हुई शक्तियाँ हासिल कर सके। बहुत ही बुरी खबर। ए मायावी जानवर, चलो वो देता मैं तुम्हें आदेश, चलो जाओ छुप जाओ कहीं पर और मत जाओ उस बालवीर के सामने, फिर नहीं ला पाएगा वो अपनी शक्तियाँ शून्य लोक से किसी भी हालत में। चलो जाओ जाओ। चुप, और मुंह से एक भी बात निकाला तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी जुबान मैं बंद कर दूंगी। माना कि बालवीर का ताबूत से बाहर निकलना एक बुरी खबर है, लेकिन उसका इसे अपने साथ शून्य लोक ले जाना मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी खबर है। या? हाँ, क्योंकि अब मेरा ये सेवक शून्य लोक में बालवीर की तब तक मदद करता रहेगा जब तक वो अपने शक्तियों को पाने के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच जाता। लेकिन ऐन मौके पर वो बालवीर को हरा कर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेगा और वो शक्तियां मुझे दे देगा। जाओ मेरे सेवक, जाओ जाओ, जाकर उस बालवीर की मदद करो। जैसी आपकी आज्ञा रानी दैत्यानी।
बालवीर, ये वो सीमा है जहां तक हम आप दोनों को लेकर आ सकते थे। लेकिन रानी परी, शून्य लोग तो दिखाई नहीं दे रहा, आखिर शून्य लोग है कहाँ? बालवीर, शून्य लोग को शून्य लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ बालवीर, जैसे जैसे आप अपनी सही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने में सफल होते जाएंगे, आपको शून्य लोग के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता जाएगा। हाँ बालवीर, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शून्य लोक में कदम कदम पर आपको नई नई चुनौतियाँ और बाधाओं का सामना करना होगा, और आपको बहुत ही समझदारी से उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मेरे साथ चलने से पहले आखिरी बार सोच लो, हमारा शून्य लोक का सफर आसान नहीं होगा। क्या शून्य लोक में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तुम तैयार हो? मैंने सोच लिया है बालवीर, इस मुश्किल सफर में मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बालवीर, शून्य लोग जाने से पहले आप अपने साथ ये प्रध्वनि तरंगे उत्पन्न करने वाला यंत्र रख लीजिए। यदि ब्रूनो और आप गलती से भी अलग हो गए तो आप इस यंत्र को बजाइएगा। हाँ बालवीर, हालांकि इससे निकलने वाली प्रध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन ब्रूनो की इंद्रियां इस ध्वनि को दूर से भी सुन लेंगी। लेकिन ध्यान रखिए बालवीर, इससे निकली तरंगे बहुत ही तेज हैं, इसलिए इसका प्रयोग बहुत जरूरत पड़ने पर ही कीजिएगा। ठीक है परी, आप सबकी कही हुई बातों का मैं ख्याल रखूंगा। आज्ञा दीजिए रानी पर। हाँ बालवीर, हमारी आज्ञा है। जाने का समय आ गया ब्रूनो, तैयार हो? हाँ बालवीर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बेटा। अब बच्चों, आज से तुम्हारा सारा सिलेबस बदल गया है बच्चों, और अब से तुम्हारी सारी किताबों में ये दैत्यानी के चैप्टर्स होंगे। वरना ये दैत्यानी सब तबाह कर देंगी बच्चों, समझ गए ना बच्चों? ओके ओके बच्चों, मैं समझ गया कि तुम लोग समझ गए जो मैं समझाना चाहता हूं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है कि
दैत्यानी ने बालवीर को कब, क्यों और कैसे हराया? वान्या? Yes, ma'am. आदि? Yes, ma'am. सिया? Yes, ma'am. शाहिद? Yes, ma'am. बंटी? Yes, ma'am. ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों, कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था? एबीसीडी. हाँ. F for apple, B for boy, C for cat, D for dog. वेरी गुड वान्या. लेकिन बच्चों, आज से ना हम लोग क्लास में एक अलग तरह की एबीसीडी बोलेंगे. आज से हम लोग बोलेंगे A for अंधेरा, B for बुराई, C for चीटिंग, D for दैत्यानी. चलो बोलो बच्चों. A for अंधेरा, B for बुराई, C for चीटिंग, D for दैत्यानी. आ, क्या मजा. सच में है कितना मजा बनने में परीलोक का राजा. तौबा तौबा. मतलब बनने में परीलोक की रानी का सेवक. दैत्यानी है, चली आपने चाल ऐसी इस बार कि हो जाएगा सच्चाई और अच्छाई का बंटा धार. लेकिन नहीं आई एक बात मेरे समझ में कि मिला कहां से आपको वो श्वान ब्रूनो और बनाया कैसे आपने उस श्वान ब्रूनो को मायावी जानवर. ब्रूनो देखना यहाँ पे कहीं लेटर बॉक्स होगा. देखना ये लेटर पढ़ के बालवीर मुझसे मिलने जरूर आएगा. एक दृष्टिहीन बच्चे का श्वान ब्रूनो मुझे पहली नजर पे ही बहुत पसंद आ गया, इसलिए मैंने उस पे नजर रखनी शुरू कर. मैंने ये भी देखा कि बाकी सभी बच्चे ब्रूनो को बहुत पसंद करते हैं. ब्रूनो को बच्चों के साथ खेलता कूदता देख मेरे मन में एक योजना ने जन्म लिया और मैंने ब्रूनो को अपना गुलाम बना लिया और फिर बल्लू, मानव और मेहर के पास उसे भेज दिया. अब से तुम पूरी दुनिया के लिए तो ब्रूनो, पर मेरे लिए मेरा पालतू मायावी जानवर. और अब से तुम मेरा हर हुक्म मानोगे और उस बालवीर को हराने में मेरा सबसे बड़ा हथियार बनोगे. वाह दैत्यानी वाह, गया मान आपको ये महान योद्धा. तोबा तोबा, ऐसी चाल ना किसी ने चली और ना कभी देखी. बस बस है मचल रहा मेरा दिल ये देखने के लिए कि है क्या हाल पृथ्वीवासियों का आपके सताए जाने के बाद. कीजिए जल्दी, कीजिए जल्दी दैत्यानी. तो चलो तोबा तोबा, हम चलते हैं पृथ्वी लोक और उन दुखी और परेशान पृथ्वीवासियों को देख आते हैं जिनको देखने के लिए मेरा मन तरस रहा है. ये
खुद भी चाहता हूं कि बालवीर दैत्यानी को हराए, पर कैसे? मुझे पता है कि तुम लोगों को बालवीर पर पूरा भरोसा है, पर इस बार बालवीर भी लाचार है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा इस बार, कुछ नहीं कर पाएगा। ये शून्य लोग तो सच में एक रहस्य की तरह मालूम पड़ रहा है। मुझे काफी होशियारी से बालवीर को उसकी शक्तियों तक पहुंचाना होगा। एक बार बस बालवीर की शक्तियों वाला स्थल सामने आ जाए, फिर मैं उसकी शक्तियां छीन लूंगा। ब्रूनो, मुझे तो यहाँ पे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। क्या? हाँ, लगता है बालवीर की शक्तियां उसके पास ना होने की वजह से उसकी इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। जब तक शक्तियां नहीं मिलती, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। बालवीर, तुम मेरे साथ साथ ही आगे बढ़ना, यहाँ कभी भी कोई भी खतरा सामने आ सकता है। संभल कर बालवीर, हमारे नीचे की जमीन टूट कर गिर रही है। क्या? ब्रूनो, मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे मुझे आगे बढ़ने का रास्ता बता, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। रुको बालवीर, हिलना मत, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाओगे। लेकिन अब मैं क्या करूँ ब्रूनो, यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता है या नहीं? है, एक रास्ता है, तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। रुको बालवीर, उधर नहीं बालवीर, इधर दाईं तरफ। सामने से खतरनाक गोले आ रहे हैं, ऊपर कूदो जल्दी। बालवीर कूदो। बालवीर, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, हम इस रास्ते पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, चलो मेरे साथ। हाँ? बालवीर कूदो। रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर जरूर कामयाब होकर ही लौटेगा। नहीं लौटेगा। दैत्यानी, जिस ब्रूनो के साथ वो गया है वो मेरा सेवक है, और मेरे कहने पर ही वो बालवीर के साथ शून्य लोग गया है। क्या? तुमने इस बार बालवीर को जो विदाई दी है,
वो उसकी आखिरी विदाई होगी। रानी परी, अब क्या होगा रानी परी? रानी परी, क्या हम किसी भी तरीके से बालवीर को ब्रूनो की सारी हकीकत नहीं बता सकते? नहीं, 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 नहीं। अब होना था जो वो हो चुका परियो। देखना तुमने बालवीर को अपने ही हाथों से उसके अंत के करीब। खैर, अब मनाइए शोक बैठ के ताकि हम हंस सके तुम पर जोर जोर से। चलो एक पड़ाव तो बड़ी मुश्किल से पार हो गया। अब देखते हैं इस पड़ाव में बालवीर की कौन सी इंद्रियां काम करना बंद करती हैं। मुझे बालवीर को किसी भी हाल में सुरक्षित उसके शक्ति वाले स्थल तक पहुंचाना ही होगा। ब्रूनो, मुझे धुंधला दिखाई देना बंद हो गया। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे, ये तो वाद्य यंत्र है जिसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? अब ब्रूनो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम क्या कह रहे हो ब्रूनो? कहीं बालवीर ने अपने सुनने की शक्ति तो नहीं खो दी? अब इसे कैसे समझाऊं? बालवीर, तुम सुनने की शक्ति खो चुके हो। अब तुम वही करो जो मैं करूंगा। शायद आगे कोई खतरा है। ब्रूनो, मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। और इसीलिए तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक ध्वनि तरंगे हैं। बालवीर, संभल के। बस किसी तरह ये आखिरी पड़ाव बालवीर को पार कराना है, फिर उसकी शक्तियां मेरे पास होंगी और बालवीर हाथ मलता रह जाएगा। मनोरंजन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन, हार जीत प्रतियोगिता। जीतेगा जो बच्चा इस प्रतियोगिता में, कर देगी दैत्यानी उसे बीमारी से बिल्कुल मुक्त। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तुम कुछ भी कर लो पर ये कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। दैत्यानी, दैत्यानी, करती मैंने नीचे पृथ्वी लोक पर घोषणा कि करोगी आप उस बच्चे को ठीक जो आएगा आपकी हार जीत प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक पर। आई नहीं मेरे समझदार दिमाग को भी समझ कि हो गई आप कब से इतनी दयालु। मैंने कहा था ना तौबा तौबा कि जिस दिन मैं तुम्हारे समझ आने लग गई उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे अंदर समझ आने लग गई। दैत्यानी की योजना तुम कभी नहीं समझ पाओगे तौबा तौबा। दैत्यानी बच्चों को कभी ठीक नहीं करेगी, ये तो बस मन बहलाने के लिए और उन बच्चों को सताने के लिए कर रही हूं मैं।
इस वाद्य यंत्र से आ रही तरंगों को हमें नष्ट करना होगा, वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे? कैसे? लेकिन ध्यान रखिए बालवीर, इससे निकली तरंगें बहुत ही तेज हैं। इसलिए इसका प्रयोग बहुत जरूरत पड़ने पर ही कीजिएगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कर देगी दैत्यानी उसे बीमारी से मुक्त। हाथ बच्चों, बांध के अपने हाथों को ऐसे पीछे, फिर उठा के इस टोकरी से गेंद को अपने मुंह में है डालना, इस टोकरी से उस टोकरी के अंदर। ब्रूनो, अब मैं ठीक से सुन भी पा रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ, और साथ ही साथ मुझे इन फूलों की सुगंध भी आ रही है। लगता है हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच गए। नहीं बालवीर, सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला जितना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसे हम दोनों पकड़ नहीं पा रहे हैं। बालवीर, मुझे ये माजरा कुछ कुछ समझ आ रहा है। इस बागीचे के फूलों की सुगंध एक छलावा है, क्योंकि हमें जिस सुगंध तक पहुंचना है वो अनोखी सुगंध इस बागीचे के पार उगे हुए एक विशेष फूल से आ रही है। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई सुगंध नहीं आ रही। आएगी भी नहीं, क्योंकि उस सुगंध तक पहुंचने के लिए हम डॉगीज जैसी नाक होनी बहुत जरूरी है, जो इंसानों की नाक से कई हजार गुना तेज होती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। ये क्या हो रहा है? ये बगीचा तो बंद हो रहा है। बालवीर, ये पूरा बगीचा एक फूल के जैसा है जो हमारे कदम पड़ते ही बंद होने लग गया है। तो फिर इसके बंद होने से पहले हमें इसके पार पहुंचना होगा, वरना हम इसके अंदर कैद हो जाएंगे। चलो जल्दी और तेज भागो बालवीर, और तेज। यस, yes!
बालवीर, वो अनोखी सुगंध इसी सुनहरे फूल से आ रही है। और वो देखो बालवीर, तुम्हारी शक्तियां वहां हैं। मेरी शक्तियां? बालवीर, तुम्हारे और तुम्हारे शक्तियों के बीच में एक अदृश्य दीवार है। हमें इस दीवार को पार करना होगा, लेकिन कैसे? एक बार ये दीवार हट जाए बालवीर, फिर तुम्हारी ये शक्तियां तुम्हारे पास नहीं बल्कि रानी दैत्यानी के पास जाएंगी, और इन्हें उन तक पहुंचाऊंगा मैं। जैसे जैसे आप अपनी सही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने में सफल होते जाएंगे, आपको शून्य लोग के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता जाएगा। मिल गई मुझे मेरी शक्तियां। बालवीर, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अब तुम्हारी ये शक्तियां मैं लेकर जाऊंगा रानी दैत्यानी के पास। अपना ये रूप कैसे लिया? अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी जानवर जिसकी वजह से बच्चे रहस्यमय बीमारी का शिकार बन गए। इसका मतलब तुम दैत्यानी से भी मिले हुए हो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना बालवीर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बच सकते हो तो बचो मेरे वार से। ब्रूनो, मैं तुम्हारी ये शक्तियाँ रानी दैत्यानी को दे दूंगा, फिर तुम्हारा और तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके सबसे पहले इससे अपनी शक्तियाँ वापस लेनी है।
मुझे माफ कर दो बालवीर, मुझे दैत्याने ने ये कॉलर पहनाकर अपना गुलाम बना रखा था और साथ में मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरे प्यारे और मासूम मालिक सनी को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। मैं मजबूर था बालवीर। मैं जानता हूँ ब्रुनो कि कोई भी श्वान बुराई का साथ कभी नहीं दे सकता, और तुम्हारी ये कहानी मुझे शुरू से ही पता थी। क्या? हाँ ब्रुनो, मुझे इस बात का शुरू में ही शक हो गया था कि तुम्हें इंसानों की तरह बोलने वाली शक्ति नटखट परी ने नहीं बल्कि किसी और मायावी शक्ति ने दी है। और मेरा ये शक यकीन में तब बदला जब मैं तुम्हारे मालिक सनी से मिलने के लिए अस्पताल में गया। बालवीर, मैंने ब्रुनो को बोला था कि तुम मेरा लेटर पढ़ के मुझसे मिलने जरूर आओगे और मेरी आंखों का ऑपरेशन से पहले अपनी शुभकामनाएं दोगे। थैंक यू बालवीर। अब देखना बालवीर, मेरा ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होगा। हाँ सनी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। थैंक यू बालवीर। ब्रुनो, हमें सबसे पहले बच्चों को ठीक करना है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने बच्चों में ये बीमारी फैलाई कैसे? ठीक है ब्रुनो, मैं सब समझ गया। मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बच्चों को ठीक कर देता हूँ। बुराई की हर चाल उल्टी पड़ जाए, पृथ्वी लोक के सारे बच्चे ठीक हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? रानी परी, लगता है बालवीर ने अपनी शक्तियाँ वापस हासिल कर ली है। हाँ बाल परी, अब बालवीर आ गए और बच्चों को बालवीर कुछ नहीं होने देगा। नहीं, बालवीर अपनी शक्तियाँ हासिल नहीं कर सकता। कर सकता नहीं, कर चुका है। सच्चाई और अच्छाई का रक्षक और बुराई का दुश्मन अपनी शक्तियाँ हासिल कर चुका है। बालवीर, भाग तो भाग, भाग, परियो, आप सब बच्चों और उनके माता पिता का ख्याल रखें। तब तक इस दैत्यानी को मैं संभालता। बालवीर, मैं अपनी देखने, सुनने और सूंघने की शक्तियों से बता सकता हूँ कि दैत्यानी के सब रूपों में से असली दैत्यानी कौन सी है। ठीक है ब्रुनो, जैसा तुम कहो। सबसे पहले वाली असली है बालवीर, बाकी सब उसकी कॉपी है।
अरे ये बालवीर को मेरे असली रूप की पहचान कैसे हुई? लगता है ये श्वान ब्रूनो मेरे असली रूप को पहचानने में बालवीर की मदद कर रहा है। अब मैं इन दोनों की जोड़ी का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। यहाँ से निकल भागने में ही भलाई है। सनी, तुम्हें तुम्हारी आंखें ठीक होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्रूनो, तुम्हारे साहस और हिम्मत के लिए मैं तुम्हें मैं भी बालवीर बैंड देना चाहता। अरे वाह,